अरे नहीं नहीं, कोई कोई फैसला बहुत मरखनी होती है, तो दूध निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये मतलब भैंस की बात चली तो मैंने ये बात कही। What do you think, चाचा जी, कि आपका भतीजा भैंस का दूध निकालने की जहमत उठाएगा? इतना भी टैलेंटेड नहीं है। विभू, या कम हियर, सिट। व्हाट इज दिस विभू? मैं सुबह से कॉफी में दूध का वेट कर रही हूँ और चाचा जी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं थे कहाँ? एक्चुअली मैम, नहीं नहीं एक मिनट, तुम सुबह से किसके साथ गप्पे मार रहे थे और तुम्हारी गप्पे फालतू की सुन कौन रहा था? अरे ये तो इतना बड़ा गप्पी है कि अगर कोई ना हो सुनने वाला तो आईना सामने रखकर खुद ही को सुना देते हैं। आपने अच्छे खासे शेर की बैंड बजा दी, वैसे माफ कीजिएगा। मुझे यहाँ शेर चीते पे ना बहस नहीं करनी है, इसे भैंस पे बहस करनी है। भैंस से बहस मतलब भैंस से बहस क्यों करनी है, क्या करनी है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइस टॉकिंग। मुझे ये बताओ कि तुम थे कहाँ, तुम गप्पे किसके साथ मार रहे थे? ओके, मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो बताऊंगा मैं। बताओ। एक्चुअली मैं भाभी जी से बात कर रहा था। कोई नई बात नहीं है, जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात बहुत टेंशन वाली बात है। एक्चुअली भाभी जी खुश नहीं है। क्यों, उन्हें किस बात का दुख है? उनकी बातों से लगा कि उनकी जिंदगी में कोई रस बचा नहीं है, एक वॉइड सी आ गई है, जिंदगी बड़ी बेलॉस सी हो रही है उनकी। उसे हो क्या गया? वो एक्चुअली डिप्रेशन में जा रही है। माय गॉड, उन्हें किस बात का दुख है कि वो डिप्रेशन में जा रही है? मैंने बहुत कुरेदा उनको बहुत जानने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि उन्हें किस बात का डिप्रेशन है। मैं समझ गई, वो सब इसलिए नहीं बता रही है किसके जिम्मेदार उनके लड्डू के भैया होंगे। यू आर राइट, आज वो डिप्रेशन में जा रही है उसका रीजन एक अच्छा बनियान है। ही इज द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आई एम श्योर वो जरूर अंदर ही अंदर अंगूरी जी को टॉर्चर करते होंगे। मैं बात करती हूँ उनसे। यू राइट, बात करो वरना मैं उस आदमी का खून कर दूंगा। भाई गॉड, अरे एक मिनट भाई, हेलो, अगर तू जेल चला गया तो वसीयत का क्या होगा? चाचा जी, आपकी वसीयत मिलने की उम्मीद ना वैसे भी कम ही है। देखो, अगर उम्मीद करोगे तो नहीं मिलेगी। वैसे भी किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तेरे जहां में ऐसा नहीं कि नोट ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलते। ये शेर मोहब्बत तो लेकर कहा गया था, आपने नोट पेल दिया बीच में। ये सब छोड़ो, मैं जाकर तिवारी जी से बात करती हूँ। देख कर रहे मेरे दोस्तों, अगर वजन कम करना है ना तो भजन तो करना ही पड़ेगा। और भैया फास्ट भी रखना पड़ेगा। हाँ यार, कछु पाने के लिए कछु खोनो पड़ता है। खोंगे ना यार, खोंगे ना, मुर्गे की टांग खोंगे, बकरे की रान खोंगे, डाइटिंग जो करनी है। हाँ। सिर्फ हरी सब्जियां खानी है तभी तो जाकर हमारी फिगर बनेगी यार। लौंडो, वैसे है ना एक बात कहूं का? यार तुमसे छुपाई थी मैंने यार, वो मेरे पास एक क्वार्टर पड़ो है। दिखाइयो भाई कहाँ पड़ा, हम भी तो देखें। हाँ दिखा ना, क्यों मलकान है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखा दिखा दिखा। अरे वाह, क्वार्टर फास्ट सर्विस, पहले धार को माल। हाँ मलकान, खोलिए जरा यार, गिलास लेके आ। हाँ गिलास पहले खोल दो यार, जाके तो सील भी ना टूटी। दिखाइयो मेरे भैया। सर दो कोड़ी के वाहियात, भिखारी, अनपढ़ आदमी, अनएजुकेटेड, जो तोड़ दो माँ को, तो फेंक दो। ओ, 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 उस लौंडे ने बिल्कुल ठीक किया। अगर तूने ऐसी घटिया दोबारा हरकत की ना, जैसे ये बोतल फूटी ऐसे तेरे सर फोड़ दूंगा। अबे सिर्फ और सिर्फ हमें डाइटिंग करनी है यार, डाइटिंग, नौकरी पकड़नी नहीं पकड़नी। हाँ यार, है मेरे यारो, आओ आज हम कसम खाते हैं, ना हमें पीनो है और ना नॉन वेज खानो है, खाओ कसम। ये ले ठीक है, लट
लोकी मत रख, अपनो हाथ रख सारे। अब देख बेटा, तुम लोगों की डाइट प्लान की कैसे बैंड बजाता हूँ। एक बार बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि अंगूरे जी की क्या हॉबी हो सकती है? भाभी जी की हॉबी होनी चाहिए तिवारी जी को सुबह शाम 10-10 कोड़े मारे और ऐसी जगह मारे कि वो किसी को दिखा ना सके, बता ना सके। फिर कर दी ना उल्टी बात। सही बात कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ। He deserves it। ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है। तुम ये कहना चाहती हो कि भाभी जी बराबर की जिम्मेदार है इसमें? वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो हर गम, हर दुख, हर तकलीफ चुपचाप सहती रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। इनफैक्ट मैंने कई बार उनके दिल का हाल जानने की कोशिश भी की, उनसे पूछा भी कि अंगूरी जी आप खुश तो हैं, पर नहीं, उनका एक ही जवाब रहता है, हम ठीक बा, हम खुश बा। आपको इंसान के अंदर झांक कर थोड़ी नहीं देख सकता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। बताओ ना, क्या हॉबी है तुम्हारी? हमारा हॉबी एक तो नहीं है। तो कितनी भी है लेकिन कौन सी हॉबी है? बताओ बताओ। कपड़े धोना, बर्तन मारना, झाड़ू पोछा करना, का कच्चा बनियान धोना। अभी जी औरत नहीं है, वो धरती है। धरती दुनिया भर की तकलीफें दुख झेलने के बावजूद मुस्कुरा के ये कहती हैं, सही पकड़े हैं। देवी, हमें इस धरती को बंजर होने से रोकना है, बचाना है। हाँ, उस धरती को तो बचाना ही है, पर क्या इस धरती की फिक्र है तुम्हें? तुम तो काफी उपजाऊ हो, मतलब तुम्हें क्या हुआ? यू आर फाइन, यू आर हैप्पी। विभू, मुझे भी ना कोई हॉबी परस्यू करने का बहुत मन है, कुछ सजेशन दो ना। अच्छा, हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक कमाल का सजेशन है। क्या? तुम कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। कुकिंग? तो सिर्फ कुकिंग क्लासेस ही क्यों? बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई, ये सारी क्लासेस भी ले लेती हूँ मैं। पहले बाहर जाके मैं बाहर के सारे काम करूँ, फिर घर आकर ये सारे काम करूंगी। वाओ, कितना बेहतरीन सजेशन दिया है तुमने, प्राउड ऑफ यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अच्छा सजेशन है, हॉबी, गुड हॉबी यू कैन परस्यू। क्या? हॉर्स राइडिंग। सिर्फ राइडिंग नहीं, कैन राइड अ हॉर्स। ये धुन सुन राधिके। भाभी ये टूट के नाचेगा, टूट के शहर में जाम लग जाएगा। भैया क्या चल रहा है? पर तुम लोग कुत्ते की तरह के हाफ रो बे। तुम लोग जॉगिंग कर रहे हो? क्यों सेठ, हम तीनों के लिए जॉगिंग बैन है क्या? नहीं, तुम लोगों की शक्लों के साथ जॉगिंग जाती नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। भाइयो बता दूंगा। है ना यार, जेब फैला देते हैं यार। सही कह रही है। वैसे सेठ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि हम तीनों को जॉब मिला है। अच्छा, कौन सा जॉब मिला है तुम तीनों को? इंग्लिश वॉचमैन। अब चौकीदार को जॉब मिला है इंग्लिश में वॉचमैन को? हाँ भैया, तो हमको चौकीदारों को जॉब मिलो है, और वो क्या कहते हैं कि हमको है ना, वो मतलब मोको है ना, 10 किलो वजन कम कर लो है। और मुझे 7 किलो वजन कम करना है भैया। मोको 8 किलो। That's good, that's good, that's good। भैया वो जो है ना त्रिवेदी सिक्योरिटी, वहां में जॉब लगो है हमारो, इससे हम कछु भी नहीं बताएंगे, आपको कह दिया बस। सारे ठीक है, लट और बताने को बाकी का रहेगा, तूने सब कुछ तो बता दो। सारे गधा आदमी हो के नंबर को तू पक्का नहीं आता। ओ गाइस, ऑल द वेरी वर्स्ट। थैंक यू भैया, यू आर वेलकम। वेलकम, सो नाइस यू। का है कि नृत्य का साधना करने के लिए है ना, हमको एक तबला नवाज जुद्दीन का जरूरत है। आप वो तबला नवाज कहना चाह रही हैं? आ सही पकड़े हैं। ये भरभूति जी का आवाज कहाँ से आया? आपको हमेशा विभूति की आवाज आ रही है, लगता है आपको उससे प्यार हो गई है। अजी यही का बोल रहे हैं। चलिए फिर शुरू हो जाएं। अखा, हम ये रियाज करते हैं, फिर आइए। हाँ हाँ, रियाज करते हैं ना। ओके, पहले आप कहा लेंगे? मोहब्बत लेंगे आपकी। अखा बोले, हमें कहा जी की दुनिया से तो हम
2000 पर क्लास लेती हैं, लेकिन आप हसीन हैं, जवान हैं और खूबसूरत भी हैं, तो आपसे हम 1000 में काम चला लेंगे। अच्छा ये है, ये चिड़ी मार कौन है? हमने कहा आप कौन जाते शरीफ हैं? हमारे घर में हम ही से पूछ रहे हैं कि हम कौन जाते शरीफ हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आप कौन सी जन्नत की चिड़िया हैं? हम जन्नत की चिड़िया नहीं, हम जन्नत के चरौटे हैं। अच्छा, और हमें देख के जन्नत की चिड़िया अपना मुंह छुपा लेती हैं परों में। तब तो आप बहुत ही खतरनाक इंसान हैं, आपको हम तवलची के तौर पे घर में नहीं रख सकते। देखिए आप अपनी जबान को लगाम दीजिए, हम शिकारपुर घराने के तवलची हैं तो क्या हुआ? शिकारपुर खानदान से, सिंगापुर खानदान से कोई फर्क नहीं पड़ता, या निकलिए यहाँ से, जाइए। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, हम तो वो उस्ताद हैं, एक बार जहाँ चले जाते हैं ना तो काम खत्म करके जाते हैं। चलिए हम 1000 रुपए ले लेंगे पर क्लास। अच्छा जी, सिखाना है सिखाइए, हम तो आपको 1000 क्लास का 1 रुपया देंगे। अलग भैया देखिए, आप हमारे उस्ताद जी का अपमान कर रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं मान लीजिए, ना ही तो अम्मा जी को कॉल कर देंगे। थैंक गॉड भाभी जी ने संभाल लिया। ठीक है पगली, अगर तुम कहती हो तो हम इन्हें महीने भर का 1000 रुपया दे देंगे, ठीक है? मंजूर है तो आज से क्लास शुरू कीजिए, नहीं तो निकल लीजिए। 1000 रुपया साथ में भाभी जी का खूबसूरत नाच, सादा बुरा नहीं है। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं, हमने कहा। कुछ ज्यादा ही तैयार लग रहे हैं। हम तो कब से शुरू होना चाहते हैं, आप ही बरसों से शुरू नहीं हो रही हैं। तो आप शुरू करवाइए ना। आंख बंद कीजिए जी, और अब संगीत का आह्वान कीजिए, हाथ फैला कर के कहिए, संगीत हम तुमसे प्रेम करते हैं। ये कहना जरूरी है क्या? अति आवश्यक है। अगर संगीत से प्रेम नहीं करेंगी तो संगीत अपनी कृपा आप पर कैसे बरसाएगा? संगीत, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आई लव यू। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको संगीत सीखना है ना? तो मैंने कह तो दिया कि संगीत मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आई लव यू हम वेस्टर्न म्यूजिक के लिए बुलवा रहे हैं। वेस्टर्न म्यूजिक आई लव यू। अब गुजराती म्यूजिक हूँ तने प्रेम करू छू। अब बंगाली म्यूजिक आमी तुम्हाके भालोबाशी। मराठी म्यूजिक मी तुझा वर प्रेम करतो। और तेलुगु म्यूजिक एक काम करते हैं गुरुजी, आप मुझे सिर्फ हिंदी म्यूजिक ही सिखा दीजिए, काफी है। चलिए ठीक है, आपको हिंदी संगीत से गंधर्व विवाह करना है तो संगीत समझकर यह माला हमारे गले में पहना दीजिए। हैंग ऑन उजड़े खानम, आप मेरी बीवी को म्यूजिक सिखाने आए हैं या शादी करने की फिराक में? कौन है ये बदतमीज, इसे फौरन यहाँ से बाहर निकालिए। आपके कानों में जंग लग गया है क्या है? मैं अनु का हस्बैंड हूँ। गुरुजनों से ऐसे नहीं बात करते। और गुरुजन तुझे शादी कर ले तभी चलेगा। एक काम करते हैं, ये परंपरा छोड़िए, आप सिर्फ मुझे म्यूजिक सिखा दीजिए ना। हैंग ऑन। उजड़े खाना में बताइए कि आप फीस कितनी लेंगे? 1000 रुपए पर क्लास। चलिए निकलिए यहाँ से। आप जैसे बहुत मिलते हैं भाई, रस्ते का माल सस्ते में, समझे ना? चलिए निकलिए। अब विभू कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे भी पैसे मुझे देने हैं, सो आई विल डिसाइड। अच्छा, यू विल डिसाइड। नौकरों को घर के मालिकों के बीच नहीं बोलना। Cheers! वाह क्या बात है भाई, कच्चा बनियान के घर पे तबलची, खचड़ हुए घर पे गायक कलाकार,
अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं, क्या सोच रहे हैं बताइए, क्या सोच रहे हैं आप? यही कि मैं भी थोड़ा गायन की शिक्षा ले लूं। आपको लंदन के अल्बर्ट हॉल का माहौल खराब करना है क्या? क्या बक रहा है तू? नहीं, अब अगर संगीत सीख लेंगे तो उसकी भड़ास कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ही ना। तो जरूरी नहीं है कि अल्बर्ट हॉल जाकर लोगों के कान के पर्दे फाड़े, आप कहीं भी कर सकते हैं। यानी भाई, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आप मजाक उड़वाने वाला काम कर रहे हैं। आपने अपनी आवाज सुनी है? फटे बांस की तरह है। अरे गायक की आवाज तो मीठी होती है, सुरीली होती है। आपको तो पहाड़ों के गिरने की, भूकंप की, बिल्डिंगों के गिरने की और वो ट्रैक्टर से कचरा पलटने की आवाज की मिमिक्री करनी चाहिए। एक और बादल गरजने की गड़गड़ गड़गड़ गड़, उसकी भी करनी चाहिए आपको, अच्छी आवाज निकालने का। और आपको तो वो पुराने उधड़े हुए ट्रैक्टर की आवाज की मिमिक्री करनी चाहिए, बहुत बढ़िया करेंगे आप। और जैसे पेट में गुड़गुड़ होती है ना, गुड़गुड़ गुड़गुड़, वो आवाज निकालिए, अच्छी निकालेंगे आप। देखा, हमने अभी कहा नहीं कि इन्होंने कितनी बढ़िया गुड़गुड़ की आवाज की मिमिक्री की। दिमाग खराब है तेरा, मिमिक्री नहीं कर रहा हूँ, मेरे पेट में सचमुच गुड़गुड़ हो रही है। जाइए फिर आप, ये हल्के हो गया, जाइए। प्रेशर प्रेशर आ गया, प्रेशर निकलिए, लग नहीं रहा पहुंच पाऊंगा। आप पहुंच जाएंगे, नई बात नहीं, कॉन्फिडेंट है। निकलिए। क्या बात है, क्या बात है। दरअसल साधना और आराधना उनकी दो सखियां थी, वो उनके साथ अक्सर अटकेलियां किया करते थे। हमारे गुरुजी पंडित फटेश्वर शास्त्री जी हर रोज सुबह तानपुरे पे तालाब के किनारे अपने गायन की साधना किया करते थे। सही पकड़े हैं। और सच्ची भरभूति जी, हम आपको ना बहुत बहुत बार शुक्रिया बोलना चाहते हैं कि आप हमको हमारे उस्ताद जी से मिलवाए रहे। अभी जी, pleasure is entirely mine. और तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे श्री झन्नूलाल मिश्रा जी से मिलवाया। He's a very nice teacher. अब झन्नूलाल मिश्रा जी के बारे में क्या कहे भाभी जी, वो तो ज्ञानी है, शास्त्रीय संगीत में पारंगत, उनके समक्ष तो सुर भी पानी भरते हैं। और यही हाल हमारे उस्ताद शरारत शिकारपुरी का है। जब उनकी तबले पे ऊने थिरकती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई गोरी अपने प्रेमी के साथ अटखेलियां खेल रही है। और झन्नूलाल मिश्रा जी जब गाते हैं, ओ हो हो हो, अच्छे अच्छे खो जाते हैं। जब उस्ताद शिकारपुरी तबले पे थाप देते हैं तो वो भी जाग जाते हैं जो बहुत पहले सो चुके हैं। क्या झन्नूलाल मिश्रा जी की आवाज, उस्ताद शिकारपुरी की तबले की थाप। अरे एक मिनट, आप लोग ऐसे पीठ पीछे उनकी तारीफ कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप उनके सामने उनके मुंह पर उनकी तारीफ कीजिए ना। वही तो कर रहे हैं। मैं कि क्या मतलब, what are you trying to say? तिवारी जी, अंगूरी जी, आप लोग आज रात अपने उस्ताद को लेकर हमारे घर डिनर पे क्यों नहीं आते? हाँ ठीक बा,
काहे नहीं, ये बहाने हम आपके गुरुजी से भी मिल लेंगे और हम आपके उस्ताद से। एक्चुअली बेबी मैं जरा बिजी हूँ, आई एम बिजी टुनाइट। अच्छा, संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र में जा रहे हो क्या? माना कि मैं नल्ला हूँ, लेकिन बंद घड़ी भी दिन में दो बार टाइम बराबर दिखाती है, और क्या नल्ला एक हफ्ते में दो बार बिजी नहीं हो सकता क्या? देखिए, अब इनकी राग पट्टी का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारी भी एक मीटिंग है। एक मिनट, आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया राग पट्टी ना, आई डिडंट लाइक दिस। क्या कहना चाह रहे हैं? हमें क्या पता कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो ऐसा कहिए कि आपको पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यू डोंट नो नथिंग अबाउट मी। कमाल है, आप दोनों ही नहीं आ रहे। अरे तो क्या वो खा जाएंगे तुम्हें यार? अरे खाने पीने की बात नहीं है, लेकिन वो लोग आ रहे हैं तो घर में एक मर्द तो होना चाहिए ना। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया तुम्हारा, लेकिन अगर तुम इन्हें मर्द समझते तो इन्हें बुला लो। भाभी जी, क्या बात, हमने कहा ना कि हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ये आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? झूठ बोल रहे हैं आप। अरे झूठ तो आप बोल रहे हैं। अरे झूठे आप, देखिए मकारी की बात आपने। अरे अम्मा, कहा है इतना, कहा है झगड़ते हैं आप लोग? हाँ, अब जिसको आना है आए, हमारे उस्ताद जी तो जरूर आएंगे और हमारे गुरु जी भी जरूर आएंगे। माफ कीजिएगा, आप लोगों के ख्वाब इनकी नजर नहीं आ रहे। कब्का होता है? अरे पति के बारे में पूछ रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? दम धनी सानी दम 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 गा सा। ये लीजिए, हमारे भी आ गए। ये आपके पति हैं? अरे नहीं नहीं, ये हमारे गुरुजी हैं। प्रणाम गुरुजी। सदैव प्रेम करती रहो। चरण स्पर्श गुरुजी। भगवान तुम्हारे खाली और दिमाग में अक्ल भर दे। आप क्या बोले? खुश रहो बालिके। गुरुजी झुनझुना लाल जी। No. सही पकड़े हैं, ये हमरे उस्ताद जी हैं, आसरारती से कारपुरी जी। नमस्कार। हम छोटे से कलाकार हैं, दिख रहे हैं। झन्नूलाल मिश्रा नाम से जाने जाते हैं। बाबा, इस खाकसार को शरारत शिकारपुरी के नाम से नवाजा है। तिकड़ाम 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 तिकड़ाम। क्या बात। कौन से घराने से शिकार करते हैं? जनाब, हम शिकारपुर घराना बजाते हैं, और हमारे जो उस्ताद थे जनाब रप्टन शिकारपुरी, उनके उस्ताद थे जनाब फिस्तन शिकारपुरी। आप बताएं अपने बारे में। हम धुरा प्रेम नगर घराने से हैं जी। हमारे गुरुजी बाबा ढालचंद, उनके गुरुजी बाबा खालचंद, और उनके गुरुजी बाबा बेहालचंद। चलिए हम लोग खाना पीना खाया जाए। नहीं नहीं, हाय दिया, इतना जल्दी कैसे? हम तो पहले से ही प्लान किए रहे कि जब दोनों गुरुजी आ जाएंगे ना, तो यहाँ आकर अपना अंग प्रदर्शन करेंगे। लीला गुरुजी, कला प्रदर्शन। सही पकड़े हैं, कला प्रदर्शन। हाँ, अब पहले होगा गाना बजाना, उसके बाद खाना। सही है। तिक्रताम 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 तिक्रताम। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज है या नहीं? तुम तो माँ साहब की बोली बोल रही हो यार, वही बोलते हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मुझे वो सब नहीं पता मैं किसकी बोली बोल रही हूँ, लेकिन तुमने जो आज हरकत की है ना, उससे साबित होता है कि तुम्हारे अंदर, इनफैक्ट तुम्हारे पूरे खानदान के अंदर संस्कार नाम की चीज रत्ती भर भी नहीं है। प्लीज देखो, मेरे खानदान को मत घसीटो। ऑलराइट, घसीटूंगी घसीटूंगी और बार बार घसीटूंगी। व्हाई व्हाई व्हाई? क्योंकि तुम्हारा खानदान ही तुम्हारे ऐसे होने के लिए जिम्मेदार है। तुम कहां की बात कहां ले आई हो यार। कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। What? मुहावरा है ये। Whatever. मेरी बात वहीं की वहीं है। तुम्हारे चाचा जी को हार्ट अटैक आया था ना? Yes. मैं उनकी दवा लेने गया था पहाड़ पे। उनको गैस हुई थी। हाँ, तो वही गैस की दवा लेने गया था पहाड़ पे मैं। अच्छा।
जरा मैं भी तो देखूं कहाँ है दवा, कौन से पहाड़ पर जाकर तुम संजीवनी बूटी तोड़कर ला रहे हो, कहाँ है? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, माफ कीजिएगा, एक घास है जिसको वो खाते हैं जिससे उनकी गैस ठीक हो जाती है, वो लेने गया था। तो कहाँ है वो घास, चर गए क्या? इस मौसम में वो घास सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। तुम्हें पता है बेबू, तुम वो रेडियो हो जिससे सिर्फ बहाने के गीत निकलते हैं, और तुम वो पीपड़ी हो जिससे हमेशा शक के राह की ठुमरी बजती है। अगर सुनने वाला कदरदान झूठा हो ना, तो उस पीपड़ी से शक के राग की ही बंदिशें निकलेंगी। इस रेडियो से रोमांटिक गाने भी बजते हैं। ला 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 ला। तुम वो रेडियो हो जिससे सिर्फ बदतमीजी के गीत निकलते हैं। मैं वो रेडियो हूँ जिससे मोहब्बत के गीत भी बजते हैं। तो सुनाओ ना। Really? Interesting? Yes. That one. बड़े बदतमीज हैं आप, बड़े बेलिहाज हैं, बड़े बेहया हैं। ला, खोलो। नेक्स्ट। इनका हो गया। ओहो, ढंग से ना करियो कछु काम। डन। बस अब एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, मैं इनके फिंगरप्रिंट्स इसमें फीड करूंगा और इनका पूरा का पूरा डेटाबेस हमें मिल जाएगा। और आई एम फ्रॉम लंदन, मैं लंदन रिटर्न हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। हम भी जब रात को इसबगोल की भूसी खाते हैं ना, तो हम भी सुबह बहुत फास्ट करते हैं। माफ कीजिएगा, आपका नाम झंडूलाल नहीं बल्कि गंदूलाल होना चाहिए। आप भी शरारत शिकारपुरी नहीं बल्कि खटारा शिकारपुरी होने चाहिए, क्योंकि आप बड़े खटारा किस्म के इंसान हैं। हुँ? 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 Here we go, database is ready. और एक है मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा और दूसरे हैं मिस्टर मनमोहन तिवारी। What? का? तुम सारे विभू तिवारी जी। Oh my! और लड्डू के भैया अनुभूति जी। गर्मी बहुत बढ़ गई मां साहब, क्यों प्रेम भाई? अबे मुझे तो ठंड में भी गर्मी लगती है। आपको ठंड में भी गर्मी लगती है? हाँ, मुझे पैसों की गर्मी है क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। भाई पारा 40 के पार जा रहा है। बताइए डॉक्टर साहब, अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? मुझे तो लगता है ये पारा 50 के पार जाएगा। अरे प्रेम भैया, आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके पास तो पहले से ही पैसों की गर्मी है। लौंडो, आओ आओ आओ, बताओ कैसा रहा, जॉब लग गई ना? अरे हाँ, ये लोग तो मॉडर्न कॉलोनी में ज्वाइन करने वाले थे ना, एज ए सिक्योरिटी गार्ड। अबे ओ लौंडो, तुम लोग ये तस्वीर क्यों बाहर आए हो? अबे क्यों रो रहे हो, तुम लोग को तो हंसना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जॉब त्रिवेदी सिक्योरिटी जैसी जगह पे लग रही है। अरे घुइया लग रही है डॉक्टर साहब, घुइया ज्वाइन की है हमने जॉब। उल्टा बाने हमें लात मार के बाहर निकाल दो रे। अरे बोरी भैया, ऐसी गंदी गंदी गाली दई कि अब हमें पतो चलो है कि ऐसे किस्म की भी गाली होती है। अबे ओ भिखारियों, लेकिन तुम्हें निकाल क्यों दिया? ये बाहर निकल गो, हमें बाहर निकाल दो। ये मटका देख रहे हो प्रेम भाई, इस मटके की बदौलत हम किक मार दिए गए। जा धी के लटकू, 10 किलो कम करना तो जाने 15 किलो बढ़ा लो। जा गुर्दे को 7 किलो कम करना तो जाने 11 किलो बढ़ा लो, और मो को 5 किलो कम करना तो मैंने 8 किलो बढ़ा लो। तुम लोगों के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम लोगों ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे?
क्या बताए भाई, मिठाई खाइए मिठाई खाइए, पूरा किस्सा मैं बताऊं। मिठाई खाइए पहले, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। अरे आप लोग भी खाइए मिठाई, पूरा किस्सा मैं बताता हूँ। लीजिए 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 लीजिए, आप भी लीजिए। अबे ये बता, तू किस खुशी में मिठाइयां बांट रहा है? वो इसलिए कि इन तीन लोगों के साथ साथ मेरे भाइयों ने भी त्रिवेदी सिक्योरिटी में आवेदन किया था, तो तुम लोगों को तो खिला खिला कर मैंने मोटा कर दिया। और तुम्हारी लापरवाही और चटोरी जवान की वजह से मेरे तीनों भाइयों को त्रिवेदी सिक्योरिटी में जॉब मिल गई। नाहर सिंह, आपके यहाँ केक है? सर यहाँ केक नहीं मिलेगा, ये रेस्टोरेंट है। अच्छा अच्छा, केक जैसी कोई चीज? सर केक जैसी कोई चीज तो नहीं है, लेकिन कुछ सूखे नान पड़े हैं, चलेगा? यार नान तो काटे नहीं जाएंगे, दूसरा ये कि वो केक की फील नहीं आएगी, क्यों नो? राइट। आपके पास थर्माकोल है? अरे बहु कैसी बात, मैं थर्माकोल काटूंगा? अरे नहीं नहीं चाचा जी, हम उसको अच्छे से गार्निश करेंगे ना। चाचा हम क्या करेंगे, थर्माकोल के ऊपर दो रोटी लपेट देंगे और फिर क्या उस पे चॉकलेट पेंट मार देंगे। एक काम करें सर, पेंट वाला केक तो आप खा नहीं पाएंगे। सर ऐसा करता हूँ कि डबल रोटी को ना चाशनी में डुबो के ले आता हूँ मैं। That's a good idea. एक केक की फील आनी चाहिए बस। केक काटते वक्त अपनी फोटो खींच लेंगे और डाल देंगे सोशल मीडिया पे, लाइक से लाइक आएंगी, क्या नो? ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, बेकार में ऐसा आज छोड़ो, फिर बीच में कभी नो चाश, नो 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 नो। आज अगर केक नहीं कटेगा ना मुझे बहुत बुरा लगेगा, आई फील हॉरिबल। यार जब इस रेस्टोरेंट में केक है नहीं तो क्या मेरे गुर्दे काटेगा? यार इतना बड़ा तुम्हारा रेस्टोरेंट है, तुम्हारे रेस्टोरेंट में केक नहीं है, लाना है तुम पे यार। सर वो 2x2 का पेस्ट्री का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, बोले आऊं? कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ है। क्या पेस्ट्री कचरे के डिब्बे में रखते हैं? हम तो फ्रिज में रखते हैं। तो हम भी फ्रिज में ही रखते हैं, फ्रिज से ही लाएंगे। दैट्स राइट, एक काम करो तुम ले आओ। देखो भाई साइज डजंट मैटर, ये फीलिंग्स ये भावनाएं मैटर करती है। चल जा चल जा, जाओ जा। फाइनली वी गॉट समथिंग चाच, आई एम सो एक्साइटेड कि आज आपका बर्थडे है। अरे लाओ यार, अरे लाओ भाई लाओ, वेरी गुड। अबे आइसक्रीम खाऊंगा, खाई खाई बात, पहले केक काटिए। केक काटिए ना, दांतों से काट दूंगा केक, चाकू ला भाई। अबे गर्दन काटूंगा क्या किसी की? चाचा जी काटिए ना प्लीज, सभी काट लीजिए। अरे यार तुम लोग भी ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चाच। हेलो, हाँ मोनिका, यस यस यस, माय 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 फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट यू एंड यू आर जस्ट 35। सर बिल, ओह माय गॉड, 40,000। मैम बिल पे कर दीजिए, रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो रहा है। विपू कॉल करो ना चाचा जी को। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। व्हाट? मैं देख के आता हूँ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो टांगे काट के रख दूंगा। एक्सक्यूज मी, ये क्या गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी फ्रॉडगिरी तो तुम लोग कर रहे हो। हमने क्या फ्रॉडगिरी करी है यार? पहले तो ठूस ठूस के खा लिया है? जब बिल देने की बारी आई तो कोई एक नंबर के बहाने निकल रहा है, कोई फोन के बहाने निकल रहा है। शट अप, ये क्या बकवास किए जा रहे हो? और तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है? बेबी इसके हाथ में चाकू है। शट अप विभू, मेरी फितरत तुम्हारे खानदान के लोगों की जैसी नहीं है, जो पहले पार्टी देने आते हैं उसके बाद जब बिल देने की बारी आती है तो खिसक लेते हैं। और तुम ज्यादा ना धौंस मत दिखाओ, ये चाकू की ब्लैक बेल्ट हूं मैं। क्या तुम बिल पे कर रही हो? जी हाँ मैं बिल पे कर रही हूँ। मेरी इतनी बेइज्जती ना आज तक नहीं हुई है जितना आज तुम्हारे चाचा जी की वजह से हुई हो। मैं चाचा से बात करूंगा इस बारे में। अच्छा सिर्फ बात करोगे? नहीं, कुछ और भी करूंगा लेकिन करूंगा। आइडिया लड़की के भैया को तो हमारे साड़ी भी पसंद ना आई है, वो तो बहुत ही नफरत करते हैं इससे, वो तो हमको कहीं ले जाना भी नहीं चाहते हैं। अरे जी वाह 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 वाह, क्या गुनगुना रही हैं? जो भी गुनगुना रही हैं, कमाल गुनगुना रही हैं। ये आपको गुनगुनाना दिखता है?
हम रो रहे हैं। अभी जी आप रो रही हैं? किस बदतमीज बेहया बेशर्म बसौख आदमी ने आपके साथ ये बदतमीजी की भाभी जी, मैं उसके तोते उड़ा दूंगा। अरे दिया ना ही, आप तोते ना ही उड़ाइए किसी के। भाभी जी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कछु भी ना ही है ऐसा, कछु ना ही। भाभी जी कुछ तो है ऐसा भाभी जी, हाँ अपना हमें अपना आशिक मेरा मतलब अपना पड़ोसी नहीं समझती है। देखिए नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है अभी जी, फिर तो कुछ तो है। देखिए आपकी आंखों से ये मोती टपक रहे हैं टप 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 टप। आई एम नॉट लाइकिंग इट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाभी जी, प्लीज बताइए ना क्या हुआ। आप ना हमको एक तो बात बताइए। पूछिए ना भाभी जी, सब बात पूछिए, लेकिन खुद को इतना भी न सताया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। भाभी जी व्हाई डू यू गेट वेट इन द रेन्स? भाभी जी आप पूछिए ना क्या पूछना चाहती हैं, प्लीज आस्क मी, आई एम ऑल हियर। हाँ हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको ना किस तरह की औरतें पसंद हैं? हाय बहुरिया चुड़ैल। I'm sorry, आंटी जी। अम्मा जी पे नाम करे हैं। खस रखस। क्या कर रहे हैं बे? प्याज छू रहा हूँ आंटी जी। अच्छा हाँ ले। ठीक है खुश रहो। करे कहे हमारे बहुरिया पकाने आते हो? हाँ उसमें आंटी जी आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपकी बहुरिया मतलब मैं भाभी जी को नहीं पकाता, पूछ लीजिए इनसे। हाँ हाँ अम्मा जी हमको ना ये बिल्कुल भी ना ही पकाते हैं, बल्कि हमको ना बहुत फायर करते हैं। अब वो इंस्पायर करना चाह रही है ऐसे ही पकड़े हैं, है, हमको बहुत प्रोत्साहित करते हैं। देखो बहुरिया ये सब होने का भी टाइम नहीं है, है? चलो तुम हमारे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो हेलो, आप कहाँ ले जा रही भाभी जी को बे? का है तुम कन दादा हो जो तुमसे पूछ के ले जाएंगे, हैं? आओ बहुरिया। हाँ हाँ चलिए चलिए अम्मा जी। मैं इन सब बातों पे गौर नहीं करती हूँ तिवारी जी, लेकिन विभू के अच्छे भविष्य के लिए मुझे कठोर फैसला लेना पड़ रहा है, और वो ये है कि चाचा जी अब मेरे घर में नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही भाभी जी, हम तो आपको पहले भी कह चुके हैं ये जो चाचा जी है ना ये बहुत बड़ा पोल्यूशन है इस मोहल्ले के लिए भी, इसीलिए इनको बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। और एक्चुअली प्लान रेडी है। अच्छा कौन सा प्लान? प्लान ये है कि मैं और विभू घर में बहुत झगड़ा करेंगे, इतना झगड़ा करेंगे, इतना झगड़ा करेंगे, इतना तनाव पैदा कर देंगे कि चाचा जी मजबूर हो जाएंगे घर छोड़कर जाने के लिए। वाह बहुत सही भाभी जी, और रही सही कसर जो हम आग में घी डाल के पूरी कर देंगे। सच में तिवारी जी आप हेल्प करेंगे? बिल्कुल भाभी जी, थैंक यू सो मच जी। और हमारे पास भी एक तो प्लान बी है। प्लान बी जी? वो क्या है? वो ये है कि जब प्लान ए फेल हो जाएगा ना फिर प्लान बी आएगा। काम कर। कुछ नहीं भाई जी। हाँ बहुरिया तुम हो? अम्मा जी हम ही हैं। अरे हमको तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुम तो एकदम पहचान में ही नहीं आ रहे हो, अब बहुत हॉट लग रही हो। हाय दिया अम्मा जी का ऐसा ना ही बोलिए। अरे सच्ची में बहुत सुंदर, अब तुम बिल्कुल ऐसे लग रहे हो वो का नाम है, अरे वो पूजा छोटकी बहनिया है जोन अपना ऋषि का लड़का शादी हुआ है जिसका। हाय दिया वो हीरोइनी वो आलिया भट्ट। हाँ एकदम आलिया भट्ट लग रही हो। सच्ची? हाँ। लेकिन का अम्मा जी हम आपको तो आलिया भट्ट लगते हैं, लेकिन लड्डू के भैया को तो कछु भी ना ही लगते हैं। अरे वो का वो के फरिश्ते भी तुम्हारे इशारों पे नाचेंगे। हाँ हमको उनके फरिश्तों को ना ही उनको ही नचाना है अपनी उंगलियों पे। वो भी नाचेगा, तुमको खाली क्या करना है जैसे ही बैल आए ना उनके सामने एक रोमांचक गाना लगा करके नाचना शुरू कर देना है। एक मिनट ई लो
इका तनिक अपना कान और गर्दन में फुसफुसा लेना बढ़िया से। अच्छा ऐसे ही बैल आए, अब बढ़िया गाना लगाओ और नाचो। ठीक बा अम्मा जी। हाँ कौन सा गाना लगाओगे, सुनाओ सुनाओ तनिक। हाँ एक मिनट। बोहरिया माँ बेटे का गाना नहीं बजाना है, उके मुंह में कोनो दूध का बोतल नहीं देना है, एकदम रोमांचिक गाना लगाना है। आ तो आप ही बताइए ना अम्मा जी। अच्छा हम बताते हैं, रुको। हाँ अम्मा जी, आप तो सच्ची सच्ची इंट्रोड्यूस करने में आपका कौन हो जवाब नहीं है। इंट्रोड्यूस नहीं, सीड्यूस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं हम तो रोज करते हैं। अब तुमको रोज करना है। क्या बात है भाई, बड़ी डकारे मार रहे हो, गैस वैस बन गई है क्या? अरे ये लौंडे लौंडे नहीं, चलते फिरते गैस के चैम्बर्स हैं। अरे अरे यार हमें कोई गैस वैस ना हो रखी। जब गैस नहीं हो रखी है तो मुंह फाड़ फाड़ के डकारे क्यों मार रहे हो? दरअसल बात ये आ गई, हमने मास्टर साहब के ना बहुत सारा खाना खा लो, कम से कम मैंने तो 50 पूड़ियां पेल दी होगी। यार मैंने भी कम से कम 30 पूड़ियों का आंकड़ा तो छू लिया होगा। और डॉक्टर साहब मैंने भी ना 40 पूड़ी पेल दी। अबे सालो, तुम लोग ने ये मास्टर से कौन से जन्म का बदला लिया था? ये रूड, हमको फ्री में ना खिलाओ, माने इज्जत से खिलाओ प्यार से। तो कौन सा पहाड़ तोड़ते हो वहाँ पे? अरे डॉक्टर साहब आप समझ ना रहो, कसम खा के कह रही हूँ, सुबह से लेकर शाम तक इतनी मोटी मोटी किताबें हम तीनों को रोज पढ़नी पड़े। हाँ डॉक्टर साहब, और ऊपर से कोई गलती आ जाए ना तो मास्टर साहब की मार भी खानी पड़ती है। गई बताओ इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत तो 40-50 पूरी तो बनती है ना। हाँ। है? इतनी मेहनत करते हैं हम, लेबर पेन। अगर तुम दोनों ऐसी झगड़ा करते रहे तो लंदन में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? सॉरी चाचा जी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आप क्यों हमारी वजह से यहाँ रुके हैं? आप जाइए ना अपना काम कीजिए। वाह, मेरे भतीजे और बहू का आपस में ऐसे झगड़ा हो रहा है, उनका रिश्ता दांव पे लगा है और मैं काम पे निकल जाऊं? बहू तूने क्या मुझे इतना ज्यादा मतलब ही समझ रखा है कि मैं तुम्हें झगड़ते हुए छोड़ के यहाँ से चला जाऊं? वाह, देख डेविड मिश्रा इतना घटिया आदमी नहीं है। चाचा जी हम आगे से नहीं झगड़ेंगे ऐसे, प्रॉमिस। मुझे कैसे यकीन हो? अब क्या अपना दिल खोलकर आपके सामने रख दूं? आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आप रहिए यहीं पे, कहीं मत जाइए। भाभी जी घर पर हैं? अरे आ जा खच्चा बना, आ जा, बैठ 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 बैठ। आप अभी तक यही है? क्यों? तो क्या मुझे जापान में होना चाहिए? नहीं कुछ ज्यादा नहीं रुक गए? अरे रुक गए तो क्या हो गया, आप ये उनका ही घर है। तो लंदन में क्या इनकी बैतुल खला है? ऐसा है, जहाँ हम बैठ जाते हैं वहीं बैतुल खला बन जाती है। अब सॉरी बट ये बैतुल खला क्या है? इसकी खाला है।
एक मिनट, ओ आई हैव अ कॉल फ्रॉम लंदन, एक्सक्यूज मी, हेलो। आपको क्योंकि शाप वाप मिला हुआ है क्या? कैसा शाप? अरे भाभी कब से ऐसे लोगों को झेल रही हैं आप, हमें तो लगा था चले गए होंगे, लेकिन ये तो कुंडली मारे बैठे हैं। तिवारी जी, चाचा जी ने मेरे दिमाग का ना मट्ठा बना दिया है। आप कुछ कह रहे थे ना, आपके पास कोई आइडिया है, कोई प्लान है? जी भाभी जी, हमारे पास एक प्लान बी है। क्या है प्लान बी, प्लीज बताइए। दीवारों के भी कान होते हैं, तनिक अपने गाल ऐप मतलब अपने कान ही हलाइए। हाँ, बात यू है भाभी, I have a call from Maldives. Hi, yeah. हाँ तो प्लान ये है भाभी जी। ओए, तूने ये बहू का क्या हाल बना दिया भाई? हमने नहीं बनाया है। अच्छा डोकर, जो तुम आओ कौन सो मालू बर्थडे है गु? पच्चीसवो। पांच ज्यादा बोल दे, बीसवो लग रहा हूं। बंद करिए बकलोली, चाच केक काटिए। चलिए चलिए, लेट्स स्टार्ट। कम ऑन चाच। हैप्पी बर्थडे टू यू, भाई साहब, वेटर की औलाद, साले ये क्या बदतमीजी चल रही है, क्या बदतमीजी चल रही है, क्या बदतमीजी चल रही है? अरे सर, ऐसी क्या बदतमीजी कर दी मैंने? अच्छा, चोरी छिपे शराब पीते हो साले, शर्म नहीं आती? सर, चोरी छिपे तो न जाने लोग क्या क्या करते हैं, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी पी है। अबे ओ वेटर की औलाद, साले अपनी औकात में रह, समझ गया ना, ठीक से सर्विस दे। अगर छुप छुप के शराब पिया कुछ खाने की कोशिश की ना तो साले गुलचिया देंगे तेरे को, समझा? वेटर की औलाद साले, चल भाग। जो कहोगा वो। हाय दिया। लाइट चली गई, ये और वो। अरे कोई चेक करो। हो गई? यस। अब हम कछु कार्रवाई कर लें? मैं खड़ा खड़ा तू देख क्या रहा यार, तुझे तो कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। ना डोकर, ये कानूनी दाव पेंच हैं, तुम्हारी समझ से बाहर हैं। तो करिए ना फिर, क्यों 3 लाख का ब्रेसलेट गुमवाया यहाँ पे और आप फुटेज खा रहे खड़े होके यहाँ पे, कम ऑन यार। मैं यार कसम से हाथ है ना, मैं सरसों उगाने, हम अभी ब्रेसलेट खो ना, 2-4 साल पहले नहीं कर रही ना कार्रवाई। सुनो वो सबके सब सुनो, जगह के सबसे पहले जितने भी खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर दो, और बाकी धी के लट तेरू बाप दरोगा है का? तो चल रहा सारू चौधरी बनने, मंद बुद्धि। अबे आ रही भैया, देखो वैसे तो सब लोग हैं अपने मोहल्ला के, लेकिन बुरु न मानियो, ऐसी सिचुएशन पे ना अब सबकी तलाशी होगी। जब हम चोरी किए ही नहीं तो डर किस बात का, क्यों डॉक्टर साहब? एकदम सही कह रहे हैं माथ साहब। हप्पू सिंह जी, एक काम करिए, आप सबसे पहले हमारी तलाशी लीजिए। रूसा जटेम पे हमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। मेरी हेल्प? हाँ। बताइए आप, मैं क्या कर सकती हूँ बापू जी? नहीं कछु ज्यादा नहीं करने, तुम सिर्फ औरतन को लपेट लियो, मर्दन को हम लपेट लेंगे, हैं? ओके ओके। हैंग ऑन फॉर अ मिनट। यहाँ ले देंगे 3 औरतें हैं। हाँ। एक अन्नू है जिसका ब्रेसलेट खोया है, एक भाभी जी है जो मासूम है, जो एकदम शक कर ही नहीं सकते उनके ऊपर, तीसरी रूसा है, कमिश्नर की साली है, तो शक करना बेकार है। तुम मत करो, तुम ससुर जिंदगी में वैसे ही तुमने कछु नहीं करो, तुम शक भी मत करो, हमें करने पड़ेगा। काहे कि हम दरोगा है ना, हमारी तो जो वर्दी बुनी जाती है ना, वो ऐसे शक के धागों से बुनी जाती है। मुंह बंद रखो तुम, ये फालतू की स्पीच देना बंद करो और तलाशी लो। अब तुम्हारी गर्दन में खुजली शुरू कर रहे ना यार। रूसा yes? तुम भाभी अंगूरी को लेके तना कोनो पकड़ लो। ओके अंगूरी जी, प्लीज डोंट माइंड, लेट्स गो देयर। आपको बर्थडे है तू ना, तो आप इसे शुरुआत करेंगे। ये प्लान भी आपका था, और जब आपने बेचा तो आपने कहा कि ये मास्टर प्लान है, यही था आपका घटिया सा मास्टर प्लान। मास्टर प्लान, वो जो
ये मास्टर प्लान नहीं था, ये जो मास्टर जी है ना हमारे पड़ोस में, उनका प्लान लगता है मुझे। आप यार चुप रहिए, आप यार लीजिए। अंगूरी जी इसकी क्या जरूरत थी? वो हमारा मेहमान नवाजी का आदत है ना। She's like that. She's always like that. पर अंगूरी जी आपकी जीन्स टी शर्ट पहनने की तो आदत नहीं थी। ये लड्डू के भैया है ना, इनको वैसी ही औरतें पसंद है जो ऐसे जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं। God. He's a sick man. आपको शर्म आनी चाहिए, आपने अपनी बीवी की ब्यूटी छीन ली उससे। साड़ी में कैसे उभर के आती हैं वो, मतलब साड़ी में बहुत बॉम्ब लगती है, मेरा मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, पर्सनैलिटी खिल के आती है भाभी जी की साड़ी में, शी लुक सो नाइस। एक मिनट, हमने तुमसे ये सब कब कहा पगली? हमसे ना ही बोले रहे आप, वो दिन जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे ना तो हम सुन लिए थे, क्या बोल रहे थे कि तुम्हारी बीवी तो मॉडर्न कपड़े पहनती है, उसको कहीं ले जा सकते हैं, और हमारी पगली तो साड़ी पहनती है, वो कहीं ले जाने लायक ही नहीं है। इनोसेंट लेडी को बदनाम कर दिया, जो कुछ भी हुआ है ना, जो क्योस, इसका जिम्मेदार ये आदमी, ही इज द वन हु इज रिस्पांसिबल। ना ये आदमी इसकी बेइज्जती करता, ना ये वीडियो बनाता, ना वायरल करता। ओह माय गॉड, अब तो वो वायरल हो गया है। स्टॉप सूटेबल अनपेबल स्ट्रगल और ट्राई कर ले बेटा, एक बार और ट्राई कर ले। या इट चूज मी सूटेबल स्टूलेबल बच्चा, दिस इज अनस्टॉपेबल। या ये टेबल। अब मैं क्या कह रहा था कि एक बार अगर गोली पिस्तौल से निकल जाए तो वापस नहीं आती है। वो सब तो ठीक है धीके लट्ठो, लेकिन गोली रुकेगी कैसे? आइडिया। आइडिया। सब लोग मिलकर, सब मिलकर हमको जोड़नी बना दिए हैं। जब भी कहीं बाहर निकलते हैं या कानपुर में तो एक ही आवाज आता है और उसे सुनकर हमारे कान पक गए हैं। चोरनी भाभी, चोरनी भाभी, चोरनी भाभी। हमरा वीडियो भी वायरल कर दिए। वो वायरल होता मोरनी? ऐसे ही पकड़े हैं। आप भी हमको चोरनी बोले? अरे हमने तुमको चोरनी कब बोला, हमने तो कही कावरा मोरनी। आप भैया, भैया हम आपके मुंह से सुने आप हमको चोरनी बोले। अरे पकली हम तुम्हारी कसम खा के कह रहे हैं, हमने तुम्हें मोरनी कहा, चोरनी नहीं। ठीक बात आप ना ही बोल रहे, लेकिन पूरा कानपुर में तो ये बात फैल गया है ना, वो सब लोग हमारा वो वीडियो देख देख कर हमको चोरनी बुला रहे। अभी बोझ के साथ हम यहाँ ना ही रह सकते लड्डू की भैया, हम जा रहे हैं। अरे तुम कहीं नहीं जाओगी, हमको जाना ही पड़ेगा। अरे कहा है कि हम ना ही चाहते ही कानपुर शहर के लोग आपको एक तो चोरनी का पति बोले। अरे लेकिन हमने तो तुम्हें चोरनी नहीं कहा ना। लेकिन दुनिया तो बोल रही है ना। अरे यार दुनिया जाए भाड़ में, हम तो नहीं कह रहे हैं ना बगली, दुनिया झूठी है, लेकिन हमारी जो बीवी है ना इस सबसे सच्ची है। हम सारी दुनिया से पूछेंगे, जरा बताइए हमारी बीवी ने कभी किसी का गहना या पैसा चोरी किया है? वो तो हमारे दिल की चोरनी है। अरे तेरी, देखिए आप, आप अभी हमको चोरनी बोले, हम बहुत हॉट हो गए लड्डू के भैया। वो हॉट होता है चोरनी, मतलब है मोरनी। फिर से हमको चोरनी बोले। अरे हमारे मुंह से निकल गया हमारी अम्मा, हमारा मतलब वो नहीं था। नहीं जो दिल में होता है, चाहे उसे अपनी लाश पर से गुजरवाइए या पहाड़ पर से कुदवाइए। अंगूरी जी प्लीज हमारी बात तो सुनिए। ना ही अनीता जी, अब कछु सुनने सुनाने को ना ही बचा है, और आप भी हमसे बात ना ही कीजिए, कहा है कि आप भी बदनाम हो जाएंगी। नहीं नहीं अंगूरी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप बिल्कुल भी चोरनी नहीं है, बल्कि आपकी ईमानदारी की तो मिसालें दी जाती हैं। हुस्न का दूसरा नाम भाभी जी हैं। हाँ
मतलब अपना हुस्न अपना ये मासूमियत, मासूमियत का दूसरा नाम भाभी जी। अब तो कौन भी हमको एलिफेंट ना ही बोलेगा। एलिफेंट तो मुटल्लो है आप। हाँ? मतलब उछ रही एलिफेंट का वो। अरे वो इनोसेंट कहना चाह रही है यार। ऐसे ही पकड़े हैं अंबरी जी, आप इनोसेंट हैं ना अनीता जी, लेकिन ये मासूमियत की साड़ी पर जो बदनामी का छेद लगा है वो काका। अभी मैं भरूंगा वो। मतलब हम सब मिलके अपने प्यार से उस बदामी के छेद को रफू कर देंगे भाभी जी। विभू ठीक कह रहा है अंगूरी जी, और उसे रफू करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। बेबी हम जो करने जा रहे हैं इसकी गाज कहीं चाचा जी की वसीयत पे तो नहीं गिर जाएगी। विभू तुम कितने लालची आदमी हो, तुम अभी भी पैसे के बारे में सोच रहे हो। यहाँ एक रिस्पेक्टेड लेडी की इज्जत पे बदनामी का दाग लगा है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। देखो ऐसी बात नहीं है, मैं भाभी जी से बहुत प्यार करता हूँ, मतलब बहुत सत्कार करता हूँ उनका, बहुत मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन 20 करोड़ भी तो पैसा होता ना यार। 20 करोड़ बहुत बड़ी चीज होती है। किसने देखे हैं 20 करोड़ लगा रखा है? आज तक तुम्हारे चाचा जी ने 20,000 रूपए तक दिए है क्या? 20 करोड़ की बात कर रहे हो? अरे भाऊ जी जरा जोर से बोल दीजिए जो बोल रही है। भैया प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। अरे प्रेस वालों को खबर क्या, प्राइवेसी का चीज है। सही कहा इसने। देखिए अनीता जी हम इस शहर यहाँ से बस कहीं चले जाते हैं, खो जाते हैं कहीं। अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, मैं अभी सब कुछ सच सच बताने जा रही हूँ। अंगूरी जी की इज्जत मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारी है। वाह भाभी जी क्या बात है, आज हम आपके अंदर एक वीरांगना देख रहे हैं। खूब लड़ी मर्दान। हाँ तो शुरू करे का? हाँ हाँ श्योर। हाँ ठीक है। ए बबुआ जी जा जा के रिकॉर्डिंग करो, जा जा जाओ जल्दी जाओ। वहाँ वहाँ देखना है। बटन वा दबाए, रेडी हो? हाँ शुरू करिए। हेलो एवरीवन, तो आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है ताकि हम इस बात का खुलासा कर सकें। जानते हो बच्चों मार्टिन लूथर किंग कौन था? यार वैसे मार्टिन जो लूथर किंग जो है मेरे ख्याल से कोई डॉन वन लग रहा है कोई। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मार्टिन लूथर किंग एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपने हक के लिए आंदोलन किया था। अरे मास्टर साहब क्यों गड़े गुर्दे उखाड़ रहा हो तुम? जो हो गया सो हो गया, आज की बात करो ना। अरे टिल्लू बेटा लेकिन हिस्ट्री को याद रखना चाहिए, समझे? एक्चुअली मां साहब इफ यू डोंट माइंड, देखिए ये भूगोल और हिस्ट्री है ना, वहां से पेट ना भरते हुए आप तो ये लंच को इंतजाम करो, भूख लग रही बहुत जोरों की। और मां साहब तुम्हारा दो भाव ना बहुत सारा नॉलेज है हमारे पास। मास्टर जी प्रणाम। मास्टर जी प्रणाम। अच्छा हम भी तो देखें क्या सब सिखाया है तुम्हारे मास्टर जी ने। काका काका सुनाओ। सुना देंगे, जामे का है सुना देंगे तो सुनाओ। अच्छा क ख ग ब उसके आगे भी तो कुछ होता है ना, सुनाओ। वो तो है। हाँ, हाँ। का, खा, गा। मकान? हाँ। आगे क्या होता है? आगे यार कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। अरे जो कुछ ना कुछ होता है बता दो ना, पढ़ाया तो था तुम लोगों को। काश कबूतर। शाबाश टिल्लू बेटा, आगे बढ़ो आगे आगे बढ़ो। हाँ मास्टर साहब काश कबूतर। हाँ काश खराब कबूतर। हाँ गासे गमगीन कबूतर, घासे घुइया कबूतर, छह से चालू कबूतर, छह से छतरी के नीचे कबूतर, जासा झाट में कबूतर, घुइया में गए तुम्हारे कबूतर। तुम लोगों को घुइया भी नहीं आता है, यही सब सिखाया है तुमने।
तुम्हें ना कुछ भी नहीं आता है। भूख लगी है? हाँ। तुम लोगों को खाना खाना है? हाँ। अभी खिलाती हूँ। Thank you.